का लहर इस समय है और खुशी की लहर इस वजह से क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा मेंबर एमपी जो है उन्हें चुना गया है और बड़ा चेहरा जो है पूज्य बकरवाल समुदाय से बात करें इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी जो है उन्हें मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा जो है वो चुना गया है। आप देख सकते हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जो टुकड़ा नगर में है वहां पर इस समय खुशी की लहर और तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ अगर बात करें तो मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको इस समय बीजेपी दफ्तर टुकड़ा नगर की दिखाते हुए ये देखिए ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। इस समय ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत जो है वो किया जा रहा है का माहौल है क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा जो है वो चुने गए हैं गुलाम अली खटाना जी। ये देखिए ये देखिए रविंद्र रैना स्वागत करते हुए गुलाम अली खटाना जी का। ये देखिए इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी का स्वागत भव्य स्वागत इस समय रविंद्र रैना को तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देखिए नचाया जा रहा है डांस करवाया जा रहा है उन्हें ये तस्वीरों में देखते हुए रविंद्र रैना उन्हें जो है वो दफ्तर में ये देखिए ऐसी तस्वीरें ये बड़ी तस्वीर है इस समय की। मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा चुने गए हैं और गुज्जर बकरवाल समुदाय की बात करें तो ये इस समय जो है उनके खेमे में भी खुशी होगी उनके समुदाय में भी खुशी होगी क्योंकि बड़ा चेहरा बीजेपी दफ्तर की बीजेपी से बात करें तो वो उन्हें चुना गया है और ये तस्वीरें जनाब।
जिन्हें गुलाम अली कटाना जी हमारे साथ बातचीत करने का प्रयास करेंगे इनसे। गुलाम अली कटाना जी मेंबर, गुलाम अली कटाना जी आप मेंबर पार्लियामेंट जो है वो चुने गए हैं, इस उपलक्ष्य पर आप क्या कहना चाहेंगे और खासकर गुज बकरवाल व कम्युनिटी के लोगों को क्या संदेश है आपके द्वारा? गुजर बकरवाल कम्युनिटी की आखिरी आदमी की जीत है, गरीब की जीत है। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आखिरी आदमी की ईमानदारी की जीत है। कभी सर सोचा था कि इतने छोटे कार्यकाल में आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा तो लगाया जाता है, लेकिन संगठन सर्वोपरि है। हम काम करते हैं, हम फल की इच्छा करते नहीं, काम करते हैं, जो मिलता है नेक नियति से करते हैं। ये उसी ईमानदारी की, आखिरी आदमी की, गरीब आदमी की, ये गरीब कार्यकर्ता जो लास्ट में वर्क कर रहा है उसकी जीत है। क्या कहना चाहेंगे? बाकी पार्टियां जो हैं वो लगातार राजनीति में लगी हैं, धर्म की राजनीति, तमाम चीजों की राजनीति में लगी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक छोटे से वर्कर को भी वो अर्श से फर्श तक पहुंचाने में काम कर रही है अब तक। भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हम हैं, बाकी पार्टियां मैं से बाहर नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हम हैं। बधाई हो, कटाना साहब, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जिन्होंने देखने एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे की गई है और सीधा इस समय अरविंद रैना भी यहां पहुंचे हैं। ये देखिए स्वागत किया जा रहा है उनके द्वारा, स्वागत। ये देखिए सीधी तस्वीर की गई है, सीधी बातचीत की गई उनसे। ये देखिए अरविंद राणा जी यहाँ पर हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज काफी ज्यादा खुशी का दिन है कि जिस तरह से गुजर कम्युनिटी के अब एक शख्स को जो है वो गुजर बकरवालों को हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने गुजर बकरवालों को उनके हक दिए हैं और आज ये तारीखी फैसला इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को जो राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया है, ये तारीखी फैसला बीजेपी ने किया है। बीजेपी के दिल में गुजर बकरवालों के लिए मोहब्बत है, प्यार है। हमने पहले भी जमीनों के मालकाना हक गुजर बकरवालों को दिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको जम्मू कश्मीर में दी और इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो काला कानून एनसी कांग्रेस पीडीपी ने लाया था वो हमने खत्म किया और गुजर बकरवालों के साथ इंसाफ किया। और आज इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने इनको मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा बनाकर तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के गुजर और बकरवालों की नुमाइंदगी अब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जनाब इंजीनियर साहब करेंगे। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, बाकी जो सियासी पार्टियां हमेशा ये कहती हैं कि गुजर बकरवालों को, बाकी वाले प्रोपेगेंडा करते हैं, हम काम करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए बड़ी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां जो है वो प्रोपेगेंडा करती हैं और हम जो है वो काम करते हैं। ये देखिए गुलाम अली खटाना साहब आप तस्वीरों में देख रहे हैं। गुलाम अली खटाना साहब जी को आप सुन रहे थे, उनसे हमने सीधी बातचीत करी, एक्सक्लूसिव बातचीत मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा जो है उनसे की गई है। तस्वीर में आप देख रहे हैं तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप जो किशोर शर्मा जी को देख रहे हैं, आप प्रिय सेठी जी को देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को देख रहे हैं यहाँ पर। अगर बात करें सेठी जी रविंद्र राणा यहाँ पर, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और इस समय ये बड़ी खबर है क्योंकि कल ही राष्ट्रपति द्वारा जो है नॉमिनेट किया गया है और आज यहाँ पर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके साथ उनके तमाम सपोर्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे और इस समय ये एक बड़ी खबर है क्योंकि आने वाले समय में जब भी आगामी चुनाव होंगे तो एक बड़ा फैक्टर जो है ये भी रहेगा, जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो ये तस्वीरें और ये देखिए ये तस्वीरें सीधी देखते हुए आप प्रेस के माध्यम से उन्हें जो है मंच पे बुलाया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा आपको क्या लगता है किस तरीके से जो है, ये देखिए ये देखिए तस्वीरें, उनका स्वागत किया जा रहा है इस समय। ये बड़ी खबर है, ये मंच से थी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए वो एक्सप्रेस के माध्यम से। और अगर आपने अभी अपना स्क्रीन खोला है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के अहदे पर जो है बीजेपी के
गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात करें उनसे एक बड़ा चेहरा गुलाम अली खटाना जो है उन्हें चुना गया है और इस समय दफ्तर से आपको सी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर फैसिनेशन प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर है और ये मोबाइल के माध्यम से आप जो है ये बड़ी खबर जो होती है स्क्रीन पर देख रहे वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। क्या लगता है कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जिस हक के लिए आज तक लड़ते हुए हैं, उनका हक, उनको तमाम मुद्दे जो उनके मसले हैं उन्हें सुलझाने में इंजीनियर गुलाम अली खटाना जो है वो सक्षम रहेंगे। अपने कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो शेयर करें। बहुत प्रेस पर बहुत प्रेस के लिए जय।